मॉर्निंग पीपल, आप सब कैसे हैं? और देखो यहाँ पे ना कल रात का रोटी बचा था कुछ, तो इसको ना मैं गरम करके ना खाऊंगी। मतलब खाली मैं फेंक देने से अच्छा ना खा लो, सही रहता है। और बासी रोटी ना मतलब अच्छा भी लगता है खाने में और सेहत के लिए भी सही है, मैंने कहीं ना कहीं सुना है। बट हम ना हमेशा जो कि ताज़ा ही बनाते हैं रोटी, बट कल ना मतलब किसी ने खाया नहीं था रोटी। पापा के लिए बनाया था, पापा ने मना कर दिया था और मम्मी ने खाया था दो रोटी, तो फिर और जितना था वो बच गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम सुबह ही खा लेंगे इसको, और सुबह दाल से और रोटी से हमने खाया। और यहाँ पे अभी ना कुछ काम है जो कि मैं इनको फटाफट से काम कर लूँगी, इनको अपने अपने जगह में अरेंज करके रख दूँगी। और अभी पहले ना मैं बोतल में पानी भरना है, क्योंकि ना बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है बोतल में पानी भरना। काफ़ी आलस लगता है, किस किस को लगता है बताना ज़रूर। बर्तन धोने में मज़ा आता है, कपड़े धोने में मज़ा आता है, बट बोतल में पानी भरना, ओ माय गॉड, ये बहुत 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 बोरिंग वाला काम होता है। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है और मतलब ठंडा ठंडा मौसम है, अच्छा भी लग रहा है मुझे काम करने में। तो मेरा किचन ना थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं बहुत जल्दी ना इसको ठीक कर दूँगी, बट अभी नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे भी मॉडुला करवाना है किचन में, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे सामने का पोर्शन भी ठीक करना है, काफ़ी सारे काम हैं, एक रूम से ना होता नहीं है। और माधव धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसको रूम की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है। बड़ी से ना ये खजूर मिला, मुझे पूछ रहा था कि तुम्हें आंगनबाड़ी से ये फ्री में क्यों मिलता है। फ्री में क्यों मिलता है पता नहीं, क्यों मिलता है आंगनबाड़ी से फ्री मुझे है? सरकार देती है, हाँ गवर्नमेंट देती है कि जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको देते हैं, फिर उसके बाद बच्चा हो जाता है 3 साल तक, उसके बाद उनको फ्री। अच्छा हाँ, बट सेहत अच्छी वाली चीज कुछ देते नहीं है। मतलब फ्री देते हैं तो इसका मतलब नाम का फ्री देते हैं। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा अच्छा गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ भेजती है, बट मुझे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि जो मेरे आंगनबाड़ी के हैं ना, वो लोग अच्छा अच्छा चीज़ रख देते हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा कंप्लेन आया है, और जो दूसरे जो आंगनबाड़ी के दीदी लोग हैं ना, वो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें अपने आंगनबाड़ी से क्या क्या मिलता है। तो जब मैं बोलती हूँ मुझे ये मिलता है, तो वो लोग मुझे डांटते हैं कि तुम अपना हक का क्यों नहीं मांगती हो। बहुत कुछ आता है, अंडा आता है, केला आता है, खजूर आता है, चना आता है, काफ़ी कुछ आता है और काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ आता है, तो तुम क्यों नहीं मांगती हो। तो इस बार मैंने थोड़ा फोर्स लगाया, बट इस बार अगर मैं फ़ोर्स नहीं लगाती ना, तो वो मेरी आंगनवाड़ी वाली दीदी ना वो मुझे खजूर और अंडा देती नहीं। बल्कि इस बार 8 अंडे आए हैं, मुझे 6 अंडे दिए हैं, 2 अंडा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, केले का चिप्स आया है बट मुझे नहीं दिया है, अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और मैंने काफ़ी मतलब मैंने अपने आंगनबाड़ी से ना मतलब जितने भी यहाँ के जो आंगनबाड़ी लोग हैं उन दीदियों से मैंने बोला है कि मेरे को चेंज करवा दो मेरा ये आंगनबाड़ी, तो बोला है ऐसा चेंज नहीं होता है। तो बहुत बुरा लगता है यार, मतलब फ्री में आता है और ऊपर से आप अगर उस चीज़ को ना दो तो कितना बुरा लगता है। चलो आज चलो हम खा लेते हैं, हम मतलब खरीद के खा लेंगे, बट जो गरीब है, जो जिनके पास लेने का पैसा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेंगे। थोड़ा जितना भी अनाज आता है, अगर सरकार जितना भी भेजता है, वो आंगनवाड़ी लोग अगर नहीं देते हैं तो कितना बुरा लगता है। मेरी एक दीदी है, उन्होंने बोला है अगर ऐसा कुछ होता है, अगर नहीं देती है ना तुम्हारी आंगनवाड़ी में अगर अनाज अच्छे से, तो मुझे बोलना ज़रूर और अपने उनके सुपरवाइज़र से भी बात करना। मैंने काफ़ी अच्छा अच्छा आंगनवाड़ी देखा है, मेरी एक चाची है वो भी देते हैं मतलब लोगों को, और मेरी एक दीदी भी है वो भी देती है, बट मैं जिसके अंडर में हूँ ना, सही में मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई काम ढंग से नहीं होता है, कोई चीज़ अच्छे से मिलता नहीं है मुझे। मुझे जनवरी का मिला था, जनवरी का मिला था, फरवरी का नहीं मिला, कहाँ है पता नहीं, क्योंकि मेरी जो आशा है उनका टांग टूट गया था, तो वो अनाज नहीं दे पाई।
किसी को नहीं दे पाई। तो हम जो प्रेग्नेंट लेडी है तो वो लोग ना खा के रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट उनका टांग टूट गया था। कहने में थोड़ा बहुत बुरा लगता है, सुनने में बहुत बुरा लगता है, जब किसी को बीतता है ना तब पता चलता है। अगर फ्री का आ रहा है तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो, वो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। जो सरकार भेज रही है वो क्यों नहीं देते हो, तुम अपना बना बनाई दे रहे हो, ये गलत है ना। तो मैं भी इतना बोलना चाहती हूँ कि जो जो मतलब जिन जिन को आंगनबाड़ी से मिलता है ना, तो वो लोग ना वहीं बैठ के चेक करके जो सामान मिलता है वो लेके आए, ठीक है, मेरे जैसा ना करे। क्योंकि मैं इन महान मूर्ति को भेजती हूँ आंगनबाड़ी में, क्योंकि ये बोल नहीं सकते वहाँ पे जाके। और जो जो आंगनबाड़ी से लेते हैं ना, वहाँ पे मेरी दीदी ने कहा है कि वहाँ पे सीधे चेक करके लाना है कि कौन सा ख़राब है कौन सा नहीं, जो ख़राब है वो वापस करवा देना। तो इतना ही है, और मुझे आंगनबाड़ी से फ्री में मिलता है, 3 साल तक मिलेगा, मेरे बच्चे को भी मिलेगा और काफ़ी कुछ मिलेगा। और हाँ, आंगनबाड़ी से देखने भी आते हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं, तो तब देखने भी आते हैं, बट मुझे एक बार भी मेरी जो आंगनबाड़ी की जो दीदी है वो मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और अच्छे से दाल पानी मिलता नहीं है, टाइम टू टाइम मिलता नहीं है, 5 तारीख को मिलता है तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, सही रहता है, बट उनका अलग ही ड्रामा चलता है। क्या बोलूँ, छोड़ो अभी आप। तो अभी फिर से पंगा करेगी तो मैं अभी उनके सुपरवाइज़र से पक्का बात करूँगी, क्योंकि मुझे ना मुझे सही में बहुत बुरा लगता है कि अगर अनाज आप दे रहे हो तो पूरा प्रॉपरली दो, नहीं देना है मत दो, बोल दो, काम छोड़ दो, चले जाओ, ये है मेरा मानना। और यहाँ पे अभी माधव सोया है, कुछ बर्तन है जो कि मैंने आप लोगों ने देखा है उधर कलेक्ट करके रख दिया है। और आज का मौसम ना थोड़ा सुहाना है, क्योंकि ना मतलब बारिश हुआ था। और यहाँ देखो माधव क्या कर रहा है, ये देखो, इसको अपना काम छोड़ के ये लग गए हैं पीछे, फिर से उठेगा। तुमने नीचे रखा ना वहां पे, और डायरेक्ट उन्हें रखती हो तो। अब मेरे कूलर का हालत देखो, कलर भी किया ना, बहुत पुराना कूलर है ना ये मेरे सास का दहेज का है। मैं दहेज लेके नहीं आई थी ना अपने मायके से, मुझे बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, बड़ी बात वो होती है कि खुद का कमाई करके खुद बनाओ तो तब प्राउड होता है। मुझे तो शर्म आती है दहेज का बोलने में कि हाँ मेरे को ये दहेज में दिया है, तो काफ़ी शर्म आती है। जब हम खुद का कुछ खरीद के बनाते हैं, कुछ करते हैं ना, तब बहुत प्राउडली बोल पाते कि हमने बनाया है, ये हमने किया है, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो चलो अभी फटाफट से हम बर्तन को धो लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी ना कि माधव भी अभी बड़ा हो रहा है तो उसको भी स्पेस की ज़रूरत है, उसको भी खेलना है। और गली पूरा फैला पड़ा है, बट मुझे ना गली में खेलने के लिए नहीं देना है, क्योंकि ना दरवाज़ा हमारा पूरा खुला रहता है, एकदम धर्मशाला टाइप। तो बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसा, मतलब दरवाज़ा रखने में बहुत गुस्सा आता है। मुझे चाहिए एकदम सेपरेट, जिससे कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए, जाए तो मेरे साथ जाए, या फिर उसके पापा के साथ, या फिर बच्चे मेरे घर में आए खेलने। क्योंकि ना एक तो हमारे घर के सामने मेन रोड है और वो ना गाड़ी आता जाता रहता है, और मुझे काफ़ी डर लगता है कि बच्चे ना एक्सीडेंट ना हो जाए, तो बहुत डर लगता है गाइस। तो हमारे साइड में ना एक दीदी है, तो उनका जो बेबी है ना, मतलब बेटा, तो वो ना मतलब रोड क्रॉस खेलते खेलते रोड क्रॉस कर रहा था ना, तो एक गाड़ी ने आके उसको ठोका, तो उसके ना पैरों में चोट लगी और उसके पैरों में ना प्लास्टर करना पड़ा, मतलब पैर टूट गया था। तो उसी चीज़ से ना मुझे काफ़ी डर लगता है कि मेरा माधव भी बड़ा हो रहा है, तो ऐसा कुछ ना हो, भगवान करे। मैं चाहती हूँ इसलिए कि मैं फटाफट से कुछ बंदोबस्त करूँ, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए खेलने, उसके साथ खेलने आए बच्चे, मैं फुल बच्चों को मतलब प्राइवेसी दूंगी कि बच्चा खेले अपने अपने तौर तरीके से। मेरे पीछे काफ़ी जगह है, रूम है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए, या फिर किसी का बच्चा बाहर ना जाए, जिससे कि दूसरे के बच्चे भी सेफ़ रहे और मेरा बच्चा भी। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के अंदर आके खेले, ना कि बाहर रोड में।
और बच्चे ना हमेशा उस चीज़ को फोकस करते हैं जो चीज़ ख़राब होता है, जो चीज़ उन लोगों को मतलब लगता है कि डेंजरस है बट हमें बहुत ही मज़ा आएगा। उन लोग ना हर चीज़ छोटे छोटे बच्चे ना मतलब उन चीज़ों को ना एडवेंचर टाइप सोचते हैं, तो इस वजह से ना वो लोग सोचते हैं कि हम ना बाहर जाके ही खेलेंगे, हमें गाड़ी देखना है, ये करना है, वो करना है, तो वही डर लगता है, वही चीज़ मुझे नहीं चाहिए। अंदर मन ही नहीं लग रहा है, देखो हम अपने समाधि दादाजी के समाधि में घूम रहे, और बारिश होने वाला था लेकिन देखो मौसम फिर से हट गया, पता नहीं कब बारिश होगा। तो बाहर ले आऊँ तो अच्छा लगता है, अंदर रहने का मन ही नहीं करता है। माधव यहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है इसको, क्या करूँ। और यहाँ देखो फूल खिले हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। चलो 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 चलते हैं अंदर, दूध पिएगा मैं यहाँ से। तो आज बनेगा सोयाबीन, आलू और परमल। ओके देखो मेरा कढ़ाई ना कल घिसा था फिर निकला नहीं, कल केले के पत्ते में बनाया था। तो प्लीज़ कमेंट करके मत बोलना कोई कि जो ये बहुत गंदा है, ये गंदा नहीं है, ये धीरे धीरे निकलेगा और मेरे अंदर इतनी शक्ति, एक बार में निकल जाएगा बट मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि इसको निकालूँ अच्छे से, क्योंकि अभी मैं इस पर जोर बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं, बहुत लोग जो लोग प्रॉब्लम को देखते नहीं हैं और जो चीज़ लोगों को ख़राब दिखता है वो चीज़ को वो लोग नोटिस कर लेते हैं, भले ही वो ख़राब हो चाहे ना हो। तो अभी मैं पकाऊंगी परवल। यहाँ पे माधव के लिए गर्म पानी बिठा के रखा है क्योंकि इसको ना थोड़ा उसको पोछना है, मुझे कल नहलाया नहीं था बट आज नहलाऊंगी नहीं, आज भी नहीं नहलाऊंगी क्योंकि मौसम देखो कैसा है, ठंड लग जाएगी उसको, बारिश हुआ था ना।